कॉची इंटीग्रल फार्मूला, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला कहता है, तो एफ ऑफ ए मान लो हमारे पास 8 पॉइंट, हमें फंक्शन की वैल्यू जाननी है, तो एफ ऑफ ए किसके साथ इक्वल होगा, 1/2 पाई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। तो इसका प्रूफ, तो कंसिडर कीजिए हमारे पास एक फंक्शन है फाइव जेड जो ऐसा है एफ जेड वाई जेड माइनस ए। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये आएगी ऐसे कुछ आएगी, ये है हमारी फाइव जेड। तो क्योंकि जेड इक्वल टू ए यहाँ पर एक पोल है, यहाँ पर सिंपल पोल है, तो हम यहाँ पर एक जेड माइनस ए ड्रॉ करते हैं जो इसका है इस तरह से है, तो यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस रीजन के बारे में हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास आएगी कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर हम लेंगे दो फाइव जेड की डी जेड के साथ, ये किसके साथ इक्वल होगा, ये जो अंदर की कंटूर है इसके साथ इक्वल होगी, दैट इज सी वन ऑफ, ये जो अंदर छोटी कंटूर है फाइव जेड डी जेड से इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि जो मल्टीपल कनेक्ट रीजन की थ्योरम है, तो इसके जो इक्वल होगी, तो अगर हम इसका वैल्यू पका लेंगे यहाँ पर, सी वन कर दू एफ जेड बाय जेड माइनस ए डी जेड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे यहाँ पर एफ ऑफ ए एक आड आड करेंगे, एक सॉफ्टर करेंगे एफ ऑफ ए, ठीक है, बाय जेड माइनस ए टी जेड, ठीक है। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू, तो हम एक काम करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन एफ जेड माइनस एफ ऑफ ए बाय जेड माइनस ए सी वन डी जेड प्लस सी वन एफ ऑफ ए जेड माइनस ए डी जेड, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो इसको करने के बाद, इसको मैं लिखा देता हूँ, यह कोई ज़रूरत अब नहीं है। तो अब पुट करेंगे जेड जेड माइनस ए इक्वल टू ई टू द पावर आई फाइव आर ई टू द पावर आई फाइव। तो हमने ये क्योंकि यहाँ पर जो छोटे जो जेड माइनस ए है, एक छोटा सा एक सर्कल है, तो हम इसको आर ई टू द आई थीटा के नाम से सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह से मिलेगी डी जेड कितना होगा, तो सिमिलरली जेड होगा क्या, ए प्लस जेड होता है, होगा जेड होगा ए प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा। तो आर कांस्टेंट है, तो डी जेड कितना होगा, आर का कांस्टेंट है, तो ई टू द आई थीटा आई डी थीटा, ठीक है, ये हमारा होगा डी जेड। तो पुट करने के बाद इसके जो वैल्यू आएगी, तो इसके जब कॉन्ट्रो इंटीग्रेशन होगी, तो क्योंकि ये डी थीटा को कन्वर्ट हो गया, तो एक यूनिट सर्कल के अराउंड हो जाएगी, यानी 0 to 2 पाई हो जाएगी। तो हमारे पास आएगी कॉन्ट्रो इंटीग्रेशन ऑफ सी वन, तो हमने पता है पुट किया है जेड इक्वल टू ए प्लस आर ई टू आई थीटा, तो ए इक्वल टू ए प्लस आर ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है, यहाँ पर 0 to 2 पाई है, जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए है आर ई टू द आई थीटा। तो डी जेड कितना है, आर ई टू द आई थीटा आई थीटा, तो ये सारे कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ बचेगी हमारे पास आई डी थीटा प्लस, तो ये कैंसिल होने के बाद ये बचेगी, तो इतना ही रहेगी सिर्फ आई डी, सो माइनस एफ ऑफ ए भी रहेगी यहाँ पर, सॉरी एफ ऑफ ए, तो ये नहीं रहेगी कुछ, आर एक सिर्फ रहेगी आई डी थीटा, और ये क्या रहेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पर जब जेड माइनस ए पड़े पुट करेगी आर ई टू तो आई थीटा, तो डी जेड होता है क्या, आर ई टू तो आई थीटा, तो आर आर सब कैंसिल हो जाएगी, तो रहेगी क्या, तो सिर्फ रहेगी हमारे पास एफ ऑफ ए रहेगी। तो ये सारे कैंसिल होने के बाद सिर्फ रहेगी कॉन्ट्रीब्यूशन आई डी थीटा और 0 to 2 पाई आई डी थीटा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो 0 to 2 पाई, तो ये जो रीजन है बहुत छोटा सा है, तो हम इस ए के पास जब हम हमारा जेड ए को पास टेंस करेगी, इसका जो रेडियस है जेड माइनस ए मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो आर है, मतलब जो रेडियस आर हमने यहाँ पर लिया है, तो जब ये जेड के पास पास जाएगी, तो जेड माइनस ए है, हम इसको जो छोटी सी रीजन है ये जेड, दैट इज जेड टेंस टू ए है, तो जब जेड टेंस टू ए है, तो हम टोटल रीजन के लिए पा लेंगे, ठीक है। तब जेड टेंस टू ए होगी, तो
तो क्या हो जाएगी, आर टेंस टू जीरो हो जाएगी, क्योंकि जेड माइनस एर मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू आर है, तो जेड माइनस ए जो जीरो के साथ टेंस करेगी तो आर टेंस टू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो जब आर जीरो हो जाएगी तो हमारे पास आएगी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए आई डी थीटा प्लस एफ ऑफ ए, तो 0 to 2 पाए है, तो इसको हम जब इंटीग्रेशन आई डी थीटा के साथ 2 पाए i माइनस 0, तो 2 पाए i ये रहेगी। तो ये जो एफ ए माइनस एफ ए तो 0 हो जाएगी, क्योंकि आर टेंस टू 0 कर चुका है, तो आर 0 होने के कारण एफ ए सिर्फ रुक चुका है, तो ये सारे 0 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास एफ ऑफ ए 2 पाए i, किसके साथ इक्वल है, ये इक्वल है कॉन्ट्रो इंटीग्रेशन, कॉन्ट्रो इंटीग्रेशन किसके साथ, फाइ जेड डी जेड के साथ इक्वल है। ठीक है, कॉन्ट्रो इंटीग्रेशन फाइ जेड डी जेड के साथ इक्वल है। और अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई i कॉन्ट्रो इंटीग्रेशन फाइ जेड डी जेड, तो फाइ जेड कितना है हमारा 1/2 पाई i, तो फाइ जेड है हमारे एफ जेड बाय जेड माइनस ए डी जेड। यही है हमारी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, दैट इज एफ ऑफ ए इक्वल टू, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू 1/2 पाई i एफ जेड बाय जेड माइनस ए, इसको हमने प्रूव किया। तो थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।